को लगता है जब वो एनिमल्स को बचाना चाहते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है एनिमल रेस्क्यू। बट क्या आपको लगता है कि ये एक बेस्ट तरीका है एनिमल्स को बचाने के लिए? बेटा एक तो है कि व्यवस्थाओं को बदलो ताकि वो नौबत कभी ना आए कि वो मुश्किल में फंसे। इसका मतलब है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल कि वो मारे पीटे ना, दूसरा उनको खिलाने के लिए, तीसरा कि उनके लिए व्यवस्था इस तरीके से बनाए कि एक अस्पताल बने, एम्बुलेंसेस हो। तो एक तो दिस इज वन वे ऑफ टैकलिंग इट। अगर ये नहीं बनते हैं, क्योंकि ये इसमें सरकार ने कोई इस पर अहमियत भी नहीं दी है, और अभी अभी एनिमल मूवमेंट 40 साल मेहनत करने के बाद अब रंग दिखने लगा, जो जानवर मुश्किल में है उसको रेस्क्यू करें। और मैं बताती हूँ क्यों। एक तो वो जानवर को रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे बढ़ करके लोगों की मानसिकता बदलती है जब वो देख रहे हैं कि कोई और अच्छा काम कर रहा है। मिसाल मैं आपको बता दूं, मैं जा रही हूं सड़क पर, अगर कोई गधा चोट खाया हुआ है, मैं पहली दफा अगर देखूं और मैं रेस्क्यू ना करूं तो अगली दफा देखूंगी भी नहीं, लेकिन उसी वक्त अगर उतर करके उसको रेस्क्यू करूं तो 10 लोग जो देख रहे हैं वो उनमें से 2 लोग जरूर सामने आएंगे, अपने आप घर पर जाकर के करेंगे। तो अगर हमने मानसिकता बदलनी है तो वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स ऑन द फ्रंट लाइन। हम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिंदुस्तान में, उसमें हम लोग एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप शुरू तो करें। मान लो कि मैंने गधे को रेस्क्यू किया और मेरे पास कोई भी नहीं है उसका इलाज करवाने के लिए और उसकी टांग टूटी है, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? सरकार का जो CVO है, चीफ वेटनरी ऑफिसर, ज्यादातर वो काम पर नहीं आता है, उसके पास चाराने नहीं है, वो उसके काम करने की क्षमता बहुत पहले चली गई है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है नहीं रिस्पॉन्ड करता है ये भी नहीं मालूम। तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनिमल वेलफेयर ग्रुप। और अगर कोई ये देख रहा हो तो मैं कहती हूँ आप 5 लोगों को इकट्ठा करो और एक ग्रुप बना, उसी से ही आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे क्षेत्र में व्यवहार लोगों का बदल जाएगा। मैम, जैसे किसी और से कोई प्रेरणा लेके लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं तो ठीक है, वो सिस्टमैटिक बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, वो खुद कुछ बदलाव कर सकते हैं, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किया, क्लिनिक सेटअप किया। इसके अलावा व्यक्तिगत लेवल पे लोग क्या बदलाव ला सकते हैं कि जानवरों की ऐसी दुर्गति ना हो? सबसे पहले जो व्यक्ति है वो शुरू करे कि जो जानवर उसके आसपास में है उनके लिए उनको खाना खिलाए, उनका देखभाल करे, अगर कुत्ते हैं तो स्टरलाइजेशन करें। बहुत लोग घर में बैठ करके टाइगर को बचाना चाहते हैं, लेकिन टाइगर को जब नहीं उनकी वजह से बचता है तो वो जो उनके सामने चूहा है उसको भी नहीं बचाएंगे। तो मैं कहती हूँ एक तो खिलाएं, आखिर जिंदगी खाने पर चलती है, पानी रखते उनके लिए बाहर। दूसरा वो फर्स्ट एड सीखें कि अगर अचानक से कोई उनको दिख जाए, कोई जानवर जिसकी मदद करनी हो, उनको मालूम तो हो कि क्या करें। तीसरा जो है पेड़ लगाए डट करके, जब भी कोई फल खाता है तो वो फल की बीज हम घर में रखते हैं, जब कोई नीम के नीचे जब निबोली गिरते हैं और वो नीम के वो छोटे छोटे पौधे आते हैं तो हम सब उखाड़ करके छोटे छोटे गमलों में डालते हैं, और जब वो बड़े हो जाएं करीबन 1 फुट 1.5 फुट के हैं तो लगाना शुरू करें। अगर अपने घर में लगाएं तो ठीक है, घर अगर नहीं है एक जगह ढूंढ करके उनको लगाएं। आप धरती को बदल सकते हैं केवल पेड़ लगाने से, लेकिन डट करके लगाएं। ये समझ लें कि एक एक इंसान इस देश में जब से पैदा होता है वो 7 पेड़ इस्तेमाल करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब अगर आप 10 साल की उम्र पर है तो आपने 70 पेड़ तो खा ही लिए हैं, अब उनको जब तक वापस नहीं डालोगे तो आपकी ऋण उतरेगी कैसे? ये कहना कि हमने साल में 1 पेड़ जन्मदिन पर लगाया है इसका कोई माने नहीं है। रोज के रोज पेड़ लगाओ, रोज के रोज। वीगन बनो, अगर आप दूध पीते रहोगे और मांस खाते रहोगे तो आप क्या कुत्तों को ही बचाते रहोगे? और वो भी क्योंकि आपको कुत्ते अच्छे लगते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे और बुरे की बात है, बहुत सारे जानवर हैं जिनकी जो भगवान ने ऐसे बनाया कि आप उनको पसंद भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनकी हक उनका हक नहीं है जीने का। तो
तो सबसे पहले तो आप उनको खाना बंद कर दो। जो लोग सोचते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं तो हमने बहुत कृपा करी है, अगर वो दूध छूते हैं या अंडे छूते हैं तो वैसे ही उनकी वजह से लाखों लाखों जानवर मरते हैं। जब मैं दूध पीती हूँ तो मेरी वजह से गाय का बछड़ा सबसे पहले मरता है। अगर लड़का है तो पैदा होते ही उसको कत्ल कर देते हैं, अगर लड़की है तो उसको भूख से मार मार करके बड़ा करते हैं, क्योंकि दूध तो आप ही पी रहे हैं, उसको थोड़ा सा ही मिलता है, तो बड़ी होकर के भूखी रह करके तरस तरस करके बड़ी होती है। और फिर उसके बाद दूध देने के लिए उसको हर वक्त प्रेग्नेंट करना पड़ता है, तो उनको जो सीमन मिलता है बुल से जिनसे वो प्रेग्नेंट होती है, वो सीमन कैसे निकाला जाता है शायद आपको मालूम नहीं है। वो सांडों को लेकर के एक कमरे में 5-5 साल 6-6 साल के लिए बंद करते हैं। उन सांडों को रोज के रोज ले जा करके इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है अपने एनस में डाल करके। वो इतना तगड़ा शॉक होता है कि उनके टांग भी लड़खड़ाने लगते हैं और इतना दर्द होता है, उससे वो सीमन कलेक्ट करते हैं और दिन में 2-4 दफा हफ्ते में। तो शुरुआत जो है वो ही क्रूरता से है। फिर चलते चलते ये जो गाय आपको दूध देती है आप उसका दूध पीते जाओ, और 2-3 साल के अंदर अंदर जब उसकी क्षमता खत्म हो जाए, क्योंकि आपको दूध देने के लिए उसको रोज 2 दफा दिन में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मिलता है। ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन में उसके जो यूटरस है वो लेबर की तरह कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तब जाकर के दूध निकलता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं वो इतने दर्द में है तो 2-3 साल के अंदर अंदर वो बांझ हो जाती है। जैसे ही वो बांझ हो जाती है उसको सीधे कत्ल के लिए भेजा जाता है। और अंडे खाना तो उफ और भी खतरनाक है। जो पोल्ट्रीज हैं, एक एक मुर्गी को ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अभी तो बर्ड फ्लू, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। आप चिकन जब खाएंगे या उनके अंडे जब खाएंगे तो सोचो, अगर मैं बीमार हूं और मुझे कैंसर, टीबी, ब्रुसेलोसिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, तो क्या मेरे अंडे में ये बीमारियां नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे में नहीं जाएंगे? बिल्कुल ही जाएंगे। आपने क्या सोचा वैसे भी कि अंडा है क्या? एक पीरियड ब्लड बस। तो अगर आप किसी जानवर का पीरियड ब्लड खा रहे हैं तो वैसे भी और वो भी अगर बीमारी से भरा तो फिर फायदा क्या है? आप क्या खा रहे हैं? उसमें कोलेस्ट्रॉल भरा, अगर सही भी होता तब भी कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपको क्या मिलता अंडे से? तो इनको तो खाना बंद करते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो वीगन ही बन जाए। अब इस देश में भगवान ने हमको इतना दिया है कि वीगन बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से बन सकते हैं। तो मैम, जहां तक मुझे समझ में आता है, जैसे हमारा देश हमेशा अहिंसात्मक रहा है, पहले गाय के साथ इतनी क्रुएलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि गाय के साथ इतनी क्रुएलिटी हो रही है तो वो भी शाकाहार का हिस्सा ही आ जाता है। तो जहां तक मेरी समझ है, वीगन होना तो इंडिया की रगों में है, पर फिर भी इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्यों कह दिया जाता है? अगर आप शब्द इस्तेमाल मुझे करना चाहिए, उसके अलावा बकवास है। इसलिए क्योंकि कोई भी स्क्रिप्चर्स में दूध का कोई जिक्र नहीं है, केवल जिक्र है घी का, और वो घी का जो बिल्कुल ही कम से कम बनाया जाए। कोई नहीं पीता था दूध। फिर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने हमारे ऊपर लाद दिया डेयरीज। इनफैक्ट पहला डेयरी करनाल में बना था, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी ग्रैंडफादर ने बनाया, और उनके लिए उनको नाइटहुड मिला कि हिंदुस्तान में वो दूध पीने का रिवाज शुरू कर रहे हैं। तो ये जो कहना कि दूध हम लोग हमेशा पीते थे, कभी नहीं पीते थे, तो ये दिस इज अ न्यू फिनोमेना। हम लोग हमेशा वीगन थे और वीगन बनना हमारे डीएनए में है। तो आप वापस जाइए ना, बहुत सारी चीजें आप नहीं थे जो आप बन गए हैं अभी। आप नाइलॉन पहले नहीं पहनते थे, आप जूते लेदर के नहीं पहनते थे। तो ये सब चीजें अगर आप हिसाब ले लो अपने आप का और फिर बदलना शुरू कर दो, बहुत आसान है। और आपकी जिंदगी में अगर आपने किसी और को पेन नहीं दिया तो सोचो कितने मजे की जिंदगी होगी। और एक बात जो अक्सर साइड की जाती है, वो की जाती है कि भाई बहुत से लोग इस पे, डेयरी इंडस्ट्री पे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलाय करते हैं। तो यू थिंक कि ये वैलिड पॉइंट है वीगन ना होने के लिए? हर चीज को एम्प्लॉयमेंट के ही आधार पर चलने दे तो फिर पिक पॉकेटिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, इनफैक्ट ड्रग्स तो बहुत बड़ा धंधा है।
तो उनको हम बेचारों को बेघर क्यों कर रहे हैं, तो फिर सबको दे दो। तो फिर कानून की जरूरत क्या है? आपने मापदंड बनाए हैं और जो आपके मापदंड हैं, जिससे आपको नुकसान होता है उसको आपने गैर कानूनी बना दिया है। डेयरी से नुकसान होता है। आप 5 लोगों को नौकरी देते हो दूध निकालने के लिए और उसको फैलाने के लिए, लेकिन जो 50 लोग वो दूध पीते हैं उनको एक्नी से लेकर के कैंसर जो आप दिलवा रहे हैं, जो ट्यूबरक्यूलोसिस से लेकर के आप आर्थराइटिस दिलवा रहे हैं, जो आप हर किस्म की बीमारी दे रहे हैं, उनका क्या होगा? और वो निहत्थे हैं। मैम एक और सवाल जो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है वो ये कि बहुत से लोग जो रेस्क्यू करते हैं दे वांट स्ट्रॉन्गर लॉज, कि भाई सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना है, ये तो 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए। पर जब तक लॉज अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो करंट लॉज हैं उनके यूजेज को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 रुपए का जो फाइन है वो नोशनल है, कोई केस कभी खत्म नहीं होता। तो ये 50 रुपए की फाइन की नौबत पर हम कभी आते भी नहीं, समझ गए आप? आपको सेक्शन 429 इस्तेमाल करना है, 428 इस्तेमाल करना है, हैरेसमेंट करना है, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी करना है, केयरलेस ड्राइविंग करना है, 50 और लॉज को आप सीख करके इसमें आपने इसके चपेट में लाना है। अगर आप तैयार हो रॉबिन तो हम लोग दूसरा सेशन करते हैं जिसमें हम आपको सारे कानून समय से सिखाएं और आप इसको डालें और ताकि लोग आपके यहाँ से कानून सीखें। एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, तो हमारे साथ जैसे पीपल फार्म के साथ अब मिलियन के करीब लोग जुड़े हुए हैं, अब इसमें से बहुत से मीट ईटर्स भी हैं, कुछ गौ रक्षक भी हैं, कुछ वीगन्स भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं, जो सब में कॉमन बात यह है कि दे डू केयर। हो सकता है कोई सिर्फ कुत्तों के बारे में परवाह करता है, कोई सिर्फ गाय के बारे में, और कोई सबके बारे में। तो कुछ आप कहना चाहेंगे जो सबके लिए एक मैसेज हो, सबको इंस्पायर करे? देखिए जो दिल है ना वो एक दरवाजा है, जब खुलता है तो सबके लिए खुलता है। ये केवल कुत्ते के लिए नहीं खुलेगा या गाय के लिए नहीं खुलेगा, केवल अंधे के लिए नहीं खुलेगा या मूर्ख के लिए नहीं खुलेगा, ये सब के लिए खुलता है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। जो लोग आए हैं उनका दिल खुल रहा है, अब आहिस्ते आहिस्ते से खुल रहा है, ये उस आहिस्ते को हम तेजी से कर ले क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट। जो लोग मांस खा रहे हैं सबसे पहले उसको छोड़ें, जो गाय को बचा रहे हैं ताकि उसका दूध पिए वो तो बंद करवा, जो लोग हॉबी के तौर पर करें वो हॉबी से बना दे एक पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। यू नो हम खाते हैं तो चिड़िया भी खा ले। एवरीथिंग हैज इंटेलिजेंस, एवरीथिंग हैज लाइफ, एवरीथिंग फील्स पेन, चाहे चींटी हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कुछ भी हो, हम इस दर्द को पहचान लें। ये वी आर लीडिंग लाइव्स ऑफ टोटल डेस्परेशन, चाहे आप अंबानी हो, अदानी हो, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे आप हैं। This desperation is because of pain. We are carrying so much pain around. Our job in this world is simply to reduce the sum total of pain. Agar aap itna kar sakte ho, you would have led a good life.